IPL 2020 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। इसमें पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अंतिम ओवर्स में मार्क स्टोइनिस की धुआंधार पारी के बूते दिल्ली कैपिटल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब के सामने 158 रन का लक्ष्य रखा। लगातार अंतराल में गिरते विकेटों के बीच दिल्ली का स्कोर एक वक्त 16.1 ओवर्स में 96 पर 6 था, लेकिन छठे नंबर पर आए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस की 21 गेंदों में 53 रन की पारी के बूते दिल्ली ने टॉस गवाकर निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के 157 के जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की खराब शुरुआत रही। हालांकि मयंक अग्रवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत पंजाब ने 20 ओवर में 157 रन बनाकर मैच को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद सुपर ओवर में पंजाब मात्र 2 ही रन बना सकी, जिसे दिल्ली ने आसानी से जीत लिया। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। IPL से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहे RJ News हिंदी के साथ। धन्यवाद।